इंदौर क्राइम ब्रांच खाद्य विभाग व थाना भवरकुआ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मंगलवार रात भवरकुआ थाना स्थित नकली घी बनाने वाली कंपनी पर छापामार कार्रवाई करते हुए वहां से 4,200 किलो अमानक स्तर का घी और 4,100 किलो अमानक स्तर की चाय पत्ती बरामद की है। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि फैक्ट्री में मिलावट और एक्सपायरी डेट के घी की पैकिंग कर बाहर के ज़िलों में सप्लाई की जा रही है। सूचना पर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अभी पालदा में औद्योगिक क्षेत्र पालदा में एक फूड कंपनी पर रेड किया था, जिसमें कोई मदर चॉइस ब्रांड के नाम से घी की पैकिंग हो रही थी। तो फूड डिपार्टमेंट को सूचना मिली कि इसकी जो गुणवत्ता है वो निम्न क्वालिटी की है और इसमें कुछ मिलावटी हो रहा है। तो उसके संबंध में सैंपल लिया है और उनके प्रतिवेदन के आधार पर धारा 272 273 भारतीय दंड विधान के तहत कंपनी संचालक नरेंद्र गुप्ता पर मुकदमा कायम किया गया। सर अभी कुछ लोगों को लेके भी आए सर? अभी पूछताछ चल रही है, जो लोग वहाँ मिले उनसे पूछताछ चल रही है। सर कितने का माल जब्त है अभी? करीब 4,000 लीटर घी बता रहे हैं ये। तो 4,000 लीटर घी कीमत तो अभी प्रतिवेदन में जो होगी वो होगी, लेकिन इसमें भी कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें श्रीराम मिल्क फूड डेयरी इंडस्ट्रीज था जहाँ घी निर्माण और पैकिंग की जाती थी, तो वहाँ हमने घी के सैंपल लिए हैं और घी के सैंपल लगभग 4,000 लीटर जब्त भी किए हैं, जो कि लगभग 16 लाख रुपए कीमत का है। और यहाँ उनके संचालक जो हैं नरेंद्र गुप्ता, उनके खिलाफ FIR भी करवाई जा रही है। क्या क्या उसमें कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई है? प्रथम दृष्टया आशंका के आधार पर, मिलावट की आशंका के आधार पर किया जा रहा कार्रवाई। कहाँ पर इसकी? ये पालदा में है, पालदम श्रीराम मिल्क फूड एंड डेयरी इंडस्ट्रीज के नाम से। कुछ लोगों की पकड़ के खाने भी लेके आए? संचालक तो नहीं पाया गया, प्रभारी हैं, उनकी मिसेज हैं श्रीमती मंजू अग्रवाल, तो उनसे सैंपल लिया गया। आपका नाम? पुष्पक कुमार द्विवेदी, खास सुरक्षा अधिकारी इंदौर। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।